हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मूली के पत्तों की करारी और क्रिस्पी कचौड़ी बनाना बताऊंगी। सर्दियों में मूली तो सभी के घरों में आती है। आप उसके पत्तों को फेंकने के बजाय आप उसे धुलकर बारीक काट लीजिए और दूसरी तरफ एक पॉट में आटा निकालना है। उसमें थोड़ा सा नमक डालना है, नमक थोड़ा ही डालना है। अजवाइन को हाथों से मसल कर डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है मोयन के लिए, और ये सब मिक्स करना है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी मिर्ची। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी मिर्ची और भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करना है। मैंने जो पहले ही मूली के पत्तों को काट कर अलग रख दिया था, अब उसे इसी आटे में मिलाना है और इसमें पानी का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा क्योंकि पत्तों में काफ़ी पानी निकलता है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूँथ लेना है। आटे को थोड़ा सख्त ही गूँथना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, नहीं तो कचौड़ियाँ बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब हम आटे को ढककर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जब तक आटा सॉफ्ट होता है, हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं जो हम कचौड़ियों के साथ खाने वाले हैं। थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नमक, टमाटर, पानी, ये सब मिक्स करके पीस लेते हैं। एक पैन में ऑयल लेते हैं और थोड़ा सा जीरा डालते हैं, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डालते हैं, बारीक कटा हुआ प्याज डालते हैं और प्याज को ब्राउन होने तक पकाते हैं। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालते हैं और जो पेस्ट मैंने बनाया था अब उसे डालते हैं। टमाटर का थोड़ा सा पानी डालते हैं और अब नमक डालते हैं, थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, आप चीनी भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा खट्टा मीठा सा स्वाद आ जाता है। और अब इसे ढक कर लो फ्लेम में पकाते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहना है जिससे हमारी चटनी जले ना। और चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे पराठे, कचौड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट खट्टा मीठा सा बहुत प्यारा लगता है। अब इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे थोड़ा चलाते हुए हम अलग बाउल में निकाल लेंगे। थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ हम ऊपर से गार्निश करने के लिए मिक्स कर देंगे। और इधर कचौड़ियों के लिए आटा सॉफ्ट हो चुका है। हमें छोटी छोटी कचौड़ियाँ बेल कर ऑयल में फ्राई करना है। कचौड़ियों को ब्राउन होने तक लो फ्लेम में पकाना है। ये देखिए कितनी अच्छी क्रिस्पी और करारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड, आप भी अपने घर में ऐसी कचौड़ियाँ बनाइए और बताइए कि आपको ये कचौड़ी कैसी लगी मूली के पत्तों की। थैंक यू फ्रेंड्स।